नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, इस समय हाल ही में विरार से एक बेहद खौफनाक खबर सामने आई है। दरअसल विरार अंतर्गत विरार पुलिस स्टेशन की हद में एक दुकान में काम करने वाली एक युवती के ऊपर एक महिला ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। उस हमले में युवती घायल हो गई। आपको बता दें कि घटना शनिवार की है। आपको बता दें कि विरार वेस्ट की यह घटना है, जहां प्लेटफॉर्म नंबर 1 से सटी भास्कर कॉम्प्लेक्स नाम की बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग में सुनील गुप्ता की जीरोक्स की दुकान है। उस दुकान में युवती जिसका नाम प्रचिति पाटिल है, वो काम करती है। शनिवार रात करीब 8 बजे के आसपास वो दुकान में जब काम कर रही थी, तभी एक अज्ञात युवती दुकान में आई और कुछ ही देर में उसने प्रचिति पर अपने साथ लाए धारदार हथियार, कोयते के जैसे हथियार से हमला शुरू कर दिया। इसमें प्रचिति गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे इलाज के लिए पास के संजीवनी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हमलावर लड़की को स्थानीय लोगों की मदद से पकड़कर विरार पुलिस को सौंप दिया गया। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए दुकान मालिक सुनील गुप्ता ने बताया कि कुछ ही महीने पहले दुकान में दो ग्राहकों के बीच बहस हो गई थी और शायद उसी जूनी बहस को लेकर इस युवती ने इस तरह से हमला कर दिया। फिलहाल घायल युवती का अस्पताल में इलाज जारी है और इस पूरी घटना का सीसीटीवी वीडियो फुटेज भी सामने आया है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी आप देख सकते हैं। तो ये घटना आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये घटना है विरार की, जहां जेरोक्स की दुकान में काम करने वाली एक युवती के ऊपर दूसरी एक महिला ने धारदार हथियार से हमला कर दिया था। आज के लिए अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।